सभी के चहेते और बॉलीवुड के भाईजान हो रहे हैं ट्विटर पर ट्रेंड। जी हाँ, सलमान खान अपने जादुई अंदाज से और अपने न्यू सॉन्ग और न्यू मूवी के चलते ट्विटर पर कर रहे हैं ट्रेंड। और क्या डिटेल्स है सलमान खान के बारे में, जिस वजह से फैंस उन्हें काफ़ी पसंद कर रहे हैं और काफ़ी उनके सपोर्ट में आ खड़े हुए हैं ट्विटर पर। आइए देखते हैं ये पूरी डिटेल्स। सो हेलो एंड वेलकम टू फिफा फूज, मैं हूँ आपकी दोस्त और आप सबकी होस्ट दीप्ति बिस्वाल। मुझे आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि बॉलीवुड के भाईजान अभी भी फॉर्म में हैं और हर साल की तरह इस साल भी ईद पे अब सभी को अपने सारे फैंस को ईदी देने के लिए लौट रहे हैं अपने एक न्यू मूवी के साथ। जी हाँ, किसी का भाई किसी की जान का आप कह सकते हैं रिलीज डेट आ चुका है जो 21 अप्रैल को होने वाला है। महज सिर्फ 30 दिन बाकी है इस मूवी के रिलीज़ होने में, जिसका पोस्टर तो रिलीज हो गया है लेकिन प्रोमो और चलाना बाकी है। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूँ, इस मूवी का एक और सॉन्ग रिलीज़ हो गया है जिस सॉन्ग में काफ़ी रोमांटिक अंदाज में दिखे सलमान खान और पूजा हेगड़े। इसे देखने के बाद कहीं ना कहीं फैंस ने यह अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया कि भाईजान जिसके जान बनने जा रहे हैं या फिर मूवी में जिसकी जान है वो कोई और नहीं पूजा हेगड़े होगी। लेकिन इस बात की पुष्टिकरण और इस बात की सच्चाई तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और कहीं ना कहीं फैंस लोग ने इस चीज़ का काउंटडाउन करना भी शुरू हो गया था। मैं सब लोग रमज़ान में इस दिन का इंतज़ार भी कर रही कि कब 21 अप्रैल आएगा और मूवी में हम लोग सलमान की ये मूवी को आप कह सकते हो दीदार कर सकते हैं, हम देख सकते हैं और उन्हें काफ़ी पसंद कर सकते हैं। क्योंकि इनकी मूवी हर टाइम ये जितने भी आप कह सकते बॉलीवुड के सुपरस्टार, स्पेशल जब सलमान खान की बात आ जाए तो इनके फैंस काफ़ी एक्साइटेड और काफ़ी खुश रहते हैं इनके एक नई मूवी आने के बाद, क्योंकि उनको एक नया अंदाज में अपने फेवरेट आपके सुते एक्टर एक्ट्रेस एक नए लुक के साथ दिखते हैं। सलमान खान भी इस बार अपने इस मूवी के साथ अपने एक नए अंदाज में नए लुक के साथ आ रहे हैं, जिसे शायद फैंस लोग काफ़ी पसंद करेंगे। और इस पसंद करने के बाद से मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि सलमान खान का आज ही एक न्यू सॉन्ग रिलीज हुआ है उसी मूवी का, जिसे लोग काफ़ी पसंद करें। इनफैक्ट हमारे चैनल पे इस सॉन्ग का रिव्यू भी आ गया था, तो आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि सलमान खान ट्विटर पे ट्रेंड करे किसी का भाई किसी के जान के टैग से, इसके अलावा हैशटैग उनके जो सॉन्ग है वो उससे भी वो टैग करे, लेकिन सलमान खान के ऊपर कहीं ना कहीं यानी कि बॉलीवुड के सुपरस्टार और सबके भाई जान के ऊपर कहीं ना कहीं खतरा मंडराते हुए नज़र आ रहा है। जी हाँ, मुझे आपको बताते हुए बेहद दुख भी हो रहा है और डर भी लग रहा है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जो कि अभी एक एज अ मर्डरर के टैग में जेल में बंद है, जिन्होंने सिद्धू मूसेवाले का मर्डर भी किया था कुछ महीनों पहले, उन्होंने जेल में रहते हुए इस बात की जानकारी आप कह सकते इस बात का अंदाज़ा खुले आम सरे आम जेल में रहते हुए कहा है कि सलमान खान को मारना ये मेरा नेक्स्ट टारगेट है, सलमान खान को तो मैं मार के रहूँगा, इसने हमारे जात के लोग जिसको पूछते हैं उसको इसने मारा है, अब इसको मारना ही मेरा नेक्स्ट टारगेट है। जिसके बाद से पुलिस सिक्योरिटी प्रोसेशन सब लोग सलमान खान को एक अलग लेवल से सिक्योरिटी प्रदान कर रहे हैं, लेकिन हम भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सलमान खान को कुछ ना हो, बॉलीवुड के भाईजान ऐसे स्वस्थ रहे, खुश रहे और सभी के बीच रहे, ना कि उनके साथ कुछ हो। लेकिन जो इस मर्डर का ये मैसेज आया है जिसको हम फ्रॉड के इसमें काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग ने आज तक जिन जिन को भी मारने का प्लान बनाया है और टारगेट बनाया है उन लोगों को वो ख़त्म कर चुके हैं, जिसका लाइव एग्जाम्पल सिद्धू मूसेवाला था, जिसके ऊपर एक दिन के लिए सिक्योरिटी क्या हटा दी और कुछ ही घंटों में उनकी मृत्यु हो गई, तो इस बात के लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। लेकिन फिलहाल फैंस लोगों को मैं इतना कहूँगी टेंशन लेने की बात नहीं, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, साथ ही आप लोग सलमान खान की मूवी आने का इंतज़ार कीजिए और सिर्फ 30 दिन बाकी, तो इस चीज़ का काउंटडाउन दीजिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए फिफा फूज।